ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। और मैक्सिमम लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, 93% लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे मैं आज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, तभी आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे प्लांट के बारे में, एक ऐसे फॉलेज प्लांट के बारे में जो ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट है, पर सनलाइट में भी अच्छे से ग्रो होता है, शेडी एरिया में भी रखें तो फ्लावरिंग करता है, और यदि आप उसे धूप में सनलाइट में रखेंगे तो भी वो हर जगह फ्लावरिंग करता है। मैं बात कर रही हूँ इरेंथेमम प्लांट के बारे में। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इरेंथेमम प्लांट। ये देखें, ये है इरेंथेमम प्लांट। ये प्लांट स्पीशीज है फ्लावरिंग प्लांट की और ये नेटिव प्लांट है इंडिया का, और ये इंडिया में वाइडली कल्टीवेटेड किया जाता है इसके पर्पल फ्लावर्स के लिए, जो फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में आते हैं, खिलते हैं। इसे पर्पल इरेंथेमम भी कहा जाता है क्योंकि इसके फ्लावर्स पर्पल कलर के होते हैं। ये जो ब्लैक इरेंथेमम है और ये ग्रीन इरेंथेमम है, दोनों में ही पर्पल कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। ग्रीन इरेंथेमम में लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और ब्लैक इरेंथेमम में डार्क पर्पल या फिर डार्क पिंकिश शेड के फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास है इरेंथेमम प्लांट की ये दो वैराइटीज, ब्लैक इरेंथेमम जो कि जिसके स्टार्टिंग लीव्स आते हैं ब्लैक कलर में, और ये दूसरा प्लांट है ग्रीन इरेंथेमम। इसके लीव्स देखिए कितना अच्छा वेरिएशन है, येलो और ग्रीन का मिक्सचर है। मेरे पास है ये दो वैराइटीज़। इसकी एक तीसरी वैराइटी भी होती है जिसके लीव्स रेडिश गोल्डन कलर के होते हैं, वो अभी मेरे पास नहीं है, जल्दी मैं उसको शामिल करने वाली हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि ये प्लांट बेस्ट प्लांट है आपके गार्डन में कलर ऐड करने के लिए। देखिए आपके सामने, देखिए ग्रीन ब्लैक येलो कितना अच्छा मिक्सचर लग रहा है कलर का और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है कलर्स का। तो मैं जल्दी ही उस प्लांट को भी शामिल करने वाली हूँ अपने गार्डन में। फिलहाल में है मेरे पास ये दो कलर्स इरेंथेमम प्लांट के। ये इरेंथेमम प्लांट बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, खासकर बिगनर्स के लिए। यदि कोई बिगनर्स हैं जिन्होंने नई नई अपनी गार्डनिंग शुरू की है और वो नर्सरी से कुछ प्लांट्स लाना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा ऐसे प्लांट्स का चुनाव करना चाहिए जो इजी ग्रोइंग हों, आसानी से चलते हों, जो बिल्कुल भी फसी प्लांट ना हों, जिनकी रिक्वायरमेंट वाटरिंग की, फर्टिलाइज़र की कुछ ज़्यादा खास ना हो। तो उनमें से एक अच्छा प्लांट है ये इरेंथेमम। मैं कहूँगी कि बिगिनर्स के लिए एक बेस्ट प्लांट है क्योंकि ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। नर्सरी पर ये प्लांट आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, 50-60 रुपीज़ से आपको इसका एक प्लांट मिल जाएगा, और तीन चार प्लांट लगा हुआ एक भरा हुआ पॉट आपको 100-150 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। यदि आपके आसपास किसी नेबर ने ये प्लांट लगा रखा है तो बस आप इसकी ये देखिए, ये टिप कटिंग लेकर आ जाएं, इतनी सी टिप कटिंग आप इसकी लेकर आ जाएं और किसी भी सॉइल मिक्सचर में लगा दें। ये प्लांट सॉइल को लेकर बिल्कुल भी फंसी नहीं है, किसी भी सॉइल में ये प्लांट आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। देखिए मैंने इस प्लांट की कटिंग्स लगाई थी कुछ टाइम पहले और ये देखिए सारी ही ग्रो हो चुकी हैं, इवन के ये कितनी टॉल हो चुकी हैं। और ये देखिए, ये ब्लैक इरेंथेमम की कटिंग है, देखिए एक पॉट में मैंने कितनी सारी कटिंग्स लगाई हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। और ये देखिए ग्रीन इरेंथेमम की कटिंग,
देखिए इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल इसके फ्लावर्स हैं। और इस प्लांट को, इस कटिंग के पॉट को मैंने रखा है शेडी एरिया में, यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रा से भी धूप नहीं आती है। इसको रखा है मैंने नॉर्थ फेसिंग बालकनी में जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती। और देखिए यहाँ पर भी ये फ्लावर कर रहा है, इससे हमें पता चलता है कि इस प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए सनलाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये शेडी एरिया में अगर आप इसे रखें या फिर सनलाइट में, ये हर जगह फ्लावरिंग करेगा। अगर बात करें इस प्लांट की सॉइल के बारे में, तो ये किसी भी सॉइल में आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इस प्लांट के लिए आपको बिल्कुल भी स्पेशल सॉइल बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी साधारण मिट्टी में आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। मैं जब इसे नर्सरी से लेकर आई थी तो ये लाल कलर की जो पूना से आती है मिट्टी, उसमें लगा हुआ था। और इसकी बहुत सारी फाइब्रस रूट्स थी जो डेवलप हो चुकी थी, और मैंने उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि मैं इस प्लांट को मॉनसून सीज़न में लाई थी, मैं चाहती तो इसकी पूरी सॉइल को हटाकर भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकती थी, पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो रेड सॉइल भी हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी ही होती है। तो मैंने उस रेड सॉइल से मिलती जुलती सॉइल बनाई और उसमें इसको रिपोर्ट कर दिया। तो अगर आप बात करें इसकी सॉइल के बारे में, तो किसी भी तरह की सॉइल में चल जाता है। यदि आप चाहें तो सॉइल में एक भाग कंपोस्ट, एक भाग सैंड और एक भाग सॉइल मिला सकते हैं और उससे इसका सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। यदि आपके पास सैंड ना हो तो भी ये किसी भी मिट्टी में आसानी से चल जाएगा। ये प्लांट चिकनी मिट्टी में भी आसानी से चल जाता है। यदि आप कोकोपीट यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स में, तो एक पार्ट आप कोकोपीट का भी मिला लें। तो इस तरह से आप इसकी सॉइल मिक्स बनाएं। यदि हम बात करें इस प्लांट की वाटरिंग नीड के बारे में, तो ये प्लांट वाटरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि जब इस प्लांट में मैं वाटरिंग करती हूँ, और देखिए ये छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुई कटिंग्स हैं, तो इनका पानी जल्दी ही सूख जाता है। ये देखिए मैंने कटिंग से बनाए हैं तीन प्लांट, और इनका पानी, इसमें मुझे डेली वाटरिंग करनी पड़ती है और इनका पानी जल्दी सूख जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉट में बहुत सारी कटिंग मैंने एक साथ ही लगा दी हैं। पर ये जो पीछे आप पॉट देख रहे हैं, बड़े पॉट, इनमें सॉइल ज़्यादा है, तो इनका पानी दो तीन दिन भी चल जाता है। पर मैंने देखा है कि पानी की कमी होने पर इस प्लांट की ये जो लीव्स हैं, ये ड्रूपी हो जाती हैं और इसकी टहनियाँ लटक जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इस प्लांट को वाटरिंग की काफ़ी ज़्यादा नीड है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हमारे शेडी एरिया में रखे रहते हैं, पर पानी ना मिलने पर भी उनकी लीव्स कभी ड्रूपी नहीं होती हैं, पर इस प्लांट की लीव्स ड्रूपी हो जाती हैं। तो आपको इसकी वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखना है, और जब भी आपको सूखी लगे सॉइल तो आपको इसमें वाटरिंग करनी है। ध्यान रखें कि हमें कभी भी ओवर वाटरिंग तो करनी ही नहीं है, क्योंकि हर एक प्लांट, चाहे वो कोई भी हो, शेडी एरिया का हो या फिर सनी एरिया का हो, ओवर वाटरिंग से ख़राब हो ही जाता है, उसकी रूट्स गल जाती हैं। तो ओवर वाटरिंग तो हमें किसी भी प्लांट्स में नहीं करनी है। अगर आपको दिखाई दे कि इसकी ऊपर की अपर लेयर जो है सॉइल की, वो आपको ड्राई दिखाई दे, तभी आपको इसको वाटरिंग करनी है, और आपको थोरोली इसको वाटरिंग करनी है, ताकि नीचे तक सभी रूट्स को बराबर मात्रा में पानी मिल जाए। अब अगर बात करें इसकी फर्टिलाइज़र नीड के बारे में, तो वो ना के बराबर है, क्योंकि ये इस प्लांट में, देखिए जब इस प्लांट को मैंने, इन दो बड़े बड़े प्लांट्स को मैंने जब रिपोर्ट किया था नर्सरी से लाकर, तो मेरे पास बिल्कुल भी कोई भी खाद नहीं थी, इवन कि मेरे पास किचन वेस्ट कंपोस्ट भी नहीं थी। मैंने सिंपल सॉइल मिक्सचर में ही इसको लगा दिया था, और देखें कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और इस प्लांट से कितनी सारी कटिंग्स मैंने बना ली हैं। तो इसको खाद की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी यदि आपके पास हो, तो जिस तरह आप हर प्लांट को खाद देते हैं, उसी तरह जब आप इसका सॉइल मिक्सचर बनाएं तो उसमें खाद ऐड कर लें, और साल में दो बार, फरवरी मार्च में और सितंबर अक्टूबर में, जब हम हर प्लांट को खाद देते हैं, तब आप इसमें भी एक एक दो दो मुट्ठी वर्मी कम्पोस्ट या किचन वेस्ट कम्पोस्ट या लीफ कम्पोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप डाल लें। अगर बात करें इस प्लांट के प्रोपगेशन के बारे में, तो आपको मैंने अभी बताया है कि देखिए मैंने कटिंग से ये तीन पॉट बना लिए हैं
और देखें ये छोटे से पॉट में, और इसकी टिप निकाल के, इस ब्लैक वाले की देखिए कितनी छोटी छोटी सी टिप निकाल के मैंने लगाई थी, ऊपर से पॉलीबैग से कवर कर दिया था। और देखिए ये कटिंग्स भी मेरी ग्रो हो चुकी है, तो इसकी कटिंग कितनी आसानी से लग जाती है। इसको लगाने के लिए आपको सीज़न का वेट करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पूरी साल एक्सट्रीम विंटर्स और एक्सट्रीम समर को छोड़कर कभी भी इसकी कटिंग लगाएं। अगर आपको लगे कि गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है या ठंड कुछ ज़्यादा हो रही है, तो आप ऊपर से पॉलीबैग से कवर कर सकते हैं इस पॉट को, और गांठ लगा के रख सकते हैं। 15-20 दिन में आपकी कटिंग अच्छे से तैयार हो जाएगी। यदि प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, चाहे शेडी एरिया हो या फिर धूप का एरिया हो, प्लांट अपने आप को हैबिचुअल बना ही देता है। यदि हम शुरू से ही किसी प्लांट को शेडी एरिया में रखते हैं तो वो उसी एरिया का हैबिचुअल बन जाता है। और यदि हम किसी प्लांट को लाते साथ ही रिपोर्ट करके थोड़ी थोड़ी सनी एरिया में रखते हैं या फिर फुल सन में भी रखते हैं, तो अपने आप को वो उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। तो इस प्लांट को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये किसी भी एरिया में अच्छे से चलने वाला प्लांट है। मैंने इसे बिल्कुल शेडी एरिया में रखा हुआ है और तब भी इसके कलर्स बरकरार हैं और इसमें फ्लारिंग भी हो रही है। और मैंने देखा है कि धूप में जिन लोगों ने अपना प्लांट रखा होता है तो उनके लीव्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहे होते हैं। पर ये जो ग्रीन वाला प्लांट है, इसे आप सनी एरिया में ना रखें, क्योंकि जब हमें इस प्लांट को ज़्यादा ब्राइट लाइट मिलती है या ज़्यादा गर्मी इस प्लांट को मिलती है, तो इसके लीव्स में ये जो येलो और ग्रीन वेरिएशन है ये ख़त्म हो जाता है और इसके लीव्स प्योर ग्रीन कलर के आने लग जाते हैं। तो इस प्लांट को आप थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन इस प्लांट को आप रख सकते हैं। ब्लैक एरिथमम को आप थोड़ी 3-4 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। और ये फ्लारिंग तो शेडी और सनी दोनों एरिया में अच्छे से करता है। देखिए इसके फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल हैं। और ये जो ब्लैक एरिथमम है, इसमें आते हैं डार्क पर्पल या फिर डार्क पिंकिश कलर के फ्लावर्स, जो कभी आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अब बात करते हैं इस प्लांट के लिए पॉट साइज़ के बारे में। तो देखिए छोटे से छोटे पॉट में और बड़े से बड़े पॉट में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। बस एक कंडीशन है कि जब आपका प्लांट बहुत ही छोटा हो तो इनिशियल स्टेज पर आप उसे छोटा पॉट ही दें, क्योंकि ज़्यादा बड़े पॉट में ज़्यादा सॉइल होने के कारण रूट रॉट की परेशानी हो सकती है। तो जैसे जैसे आपका प्लांट ग्रोथ करे, वैसे वैसे आप उसको दो साइज़ बड़ा पॉट देते रहें। देखिए जैसे ये है 2 से 3 इंच का पॉट है, ये 3-4 इंच का पॉट है, और देखिए इसमें कटिंग अच्छी ग्रो हो रही है, 5 से 6 कटिंग्स है। और जैसे इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसकी सॉइल जल्दी जल्दी सूखने लग जाएगी, तो मैं इसे फिर 2 साइज़ बड़े पॉट में लगाऊंगी। देखिए ये है 2 साइज़ बड़ा पॉट, 5 से 6 इंच का पॉट, फिर मैं इसे इस पॉट में लगाऊंगी। और जब इस पॉट में भी इसकी सॉइल सूखने लग जाएगी और तो फिर लगाऊंगी मैं इसे, देखिए ये है 8 से 9 इंच का पॉट इसमें। तो धीरे धीरे आप किसी भी प्लांट का पॉट साइज़ बढ़ाएं, एकदम से आप बड़े से पॉट में छोटा सा प्लांट ना लगा दें, उससे आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ये थी एरिथ्रम प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा अपने गार्डनर फ्रेंड के संग, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति।